वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं एमा न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इब्रार। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जान अंसारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में आईजी केपी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पुलिस लेने पर भी कमी पूरी नहीं हो सकती, फ़ौज और FC की मदद दरकार होगी। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पाक फ़ौज और FC की तैनाती के लिए वजारत दाखिला और वजारत दफा से रबते में हैं ताकि पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अता तारड़ का कहना था कि अगर मुल्क की सालमियत और दफा के मामले पर इमरान खान के घर जाकर भी उन्हें बुलाना पड़े तो बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर नौबत ये आ गई कि उन्हें ख़त लिखना पड़ रहा है तो ज़रूर लिखेंगे। अता तारड़ का कहना था कि इमरान खान का मुतालबा गैर आइनी नहीं है, मगर वो ये मुतालबा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मुल्क में सियासी बहरान पैदा करना चाहते हैं। पिशावर में बग़ैर शनाख्ती कार्ड और अहम दस्तावेज़ के होटल्स और सहराओं पर मुसाफिर खानों में क्याम पर पाबंदी आयद कर दी गई। पिशावर पुलिस लाइन धमाके के बाद ज़िली इंतज़ामिया ने शनाख्ती कार्ड और अहम दस्तावेज़ के बग़ैर होटल्स और मुसाफिर खानों में क्याम पर पाबंदी आयद कर दी हैं। ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक गुंजान मकामात और तजारती मराकज़ के पार्किंग एरिया की इंतज़ामिया हाई अलर्ट रहेगी। गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की खसूसी निगरानी की हिदायत भी जारी कर दी गई है, जबकि आर्जी चेक पोस्टें भी कायम कर दी गई हैं। ख्याल रहे कि पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाले खुदकश धमाके में 84 नमाजी शहीद हुए थे, जिनमें अक्सर पुलिस एहलकार थे, जबकि मुबैना हमला आवर पुलिस की वर्दी पहनकर मस्जिद में दाखिल हुआ था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि चीन किसी गलती से बाज रहे, चीन ने अमेरिकी खुद मुख्तारी खतरे में डाली तो जवाब देंगे और गुज़श्ता हफ्ते हमने ये कर दिखाया। जो बाइडेन का स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहना था कि हम अमेरिकी मसनूआत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोरोना की वजह से महंगाई का मसला आलमी है, हमने 40 साल में सबसे ज़्यादा नौकरी के मौके पैदा किए। अमेरिकी सदर ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से तवानाई और खुराक के मसाइल पैदा हुए, हम दुनिया के किसी भी मुल्क से बेहतर पोजिशन में हैं, हमें अभी बहुत कुछ करना है। अमरीका में महंगाई में कमी आ रही है। जो बाइडेन का कहना था कि अमेरिका में गैस की कीमतों में 1.50 डॉलर फी गैलन कमी हुई, जबकि खाने पीने की एशिया की कीमत में भी कमी हो रही है। रवां हफ्ते का आगाज़ तुर्किया और शाम पर किसी क़यामत से कम न था, जब यहां जंजले ने लोगों की ज़िंदगियां उजाड़ दी। तुर्किया और शाम से जंजले के बाद के रुकत अमेज़ मनाजिर आने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें मलबे में दबी शामी बच्ची को खुद से ज़्यादा नन्हे भाई की फ़िक्र है। चट्टान जैसे हौसले वाली बहन का ताल्लुक शाम से है। मदद के मुंतजिर दोनों बच्चों की वायरल वीडियो ने दिल पिघला दिए। नाजरीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद इब्रार को इजाज़त। अलाने के बान रिजल्ट टेस्ट बेजा इंजेक्शन से निजात। अब शहर लैया में भी माहिर डॉक्टर की जेरे निगरानी। पैदाइश से लेकर 15 साल के बच्चों के इलाज और मुआलजा की बेहतरीन सहूलत मुयसर। माहिर अमराज बजगान और नजायदगान। डॉक्टर काशिफ इमरान बोदला, CEO बोदला चिल्ड्रन अस्पताल। MBBS FCPS पीट्स। साबिक रजिस्ट्रार चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर। साबिक रजिस्ट्रार जनाह अस्पताल लाहौर। साबिक रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल लाहौर। साबिक रजिस्ट्रार बहरिया इंटरनेशनल अस्पताल लाहौर। साबिक असिस्टेंट प्रोफेसर पाक रेड क्रीसेंट अस्पताल। कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट DHQ अस्पताल लैया। औकाते कार शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक नागा बरोज इतवार। राबता नंबर 03007661840। बोदला चिल्ड्रन अस्पताल कैनाल रोड नज लैया माइनर पुल।